अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत आएंगे। मूली गोश्त की रेसिपी जो आपके साथ शेयर करेंगे, ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो देखिए, ये 500 ग्राम गोश्त है और ये मूली है। ये हमने 12 मूली ली थी, इसमें पत्ते काफ़ी थे। तो मूली जो आप लीजिएगा वो काफ़ी पत्ते वाली लीजिएगा। और मूली तो बहुत छोटी छोटी सी होती है, जो सब्जी वाली मूली होती है वो अलग आती है छोटी छोटी सी। तो ये मूली हमने इस तरह से धो के खूब अच्छे से काटा है और फिर हमने काटने के बाद भी हमने धोया है। तो चलिए इसको अब पकाते हैं। दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, डेढ़ टीस्पून रेड चिली का पाउडर, एक टेबल स्पून धनिया का पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला है और ये 350 ग्राम टमाटर है। टमाटर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाते हैं। डेढ़ टीस्पून नमक डालेंगे और ये 50 ग्राम हम सरसों का तेल डालेंगे। तो तेल हमारा कच्चा है, इससे बिल्कुल नहीं घबराइएगा किसी तरह की स्मेल आएगी, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। अगर आपको कोई डर हो कि स्मेल आएगी तो फिर आप इसको गर्म करके डाल दीजिएगा, लेकिन ये मेरा कच्चा तेल है। अब हम ये मूली डाल देंगे इसी में। तो देखिए, हमने सारी चीजों को डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा भाप आने तक पकाएंगे, फिर हम इसमें सीटी लगाएंगे। तो चलिए इसको चढ़ाते हैं। तो देखिए, अभी हम इस तरह से ढक के पकाएंगे, जब इसमें खूब भाप आ जाएगी और इसको हम मिला देंगे तब हम इसमें प्रेशर लगाएंगे। देखिए भाप आ गई और देखिए कितनी कम हो गई है सब्जी। अब हम इसको मिला देंगे खूब अच्छे से। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि मूली का पानी और गोश्त का, टमाटर का, सबका पानी रिलीज होगा, बस अपने ही पानी में ये पकेगी। अब हम दो सीटी तेज गैस पे लेके फिर हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक धीमी गैस पे पकाएंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए धीमी गैस पे पकते हुए। लौकी भी गल गई है और मूली भी गल गई है और गोश्त भी गल गया है। तो अब हम इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। देखिए कितना पानी इसमें है और हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था। तो चलिए इसको भूनते हैं। देखिए वो अच्छे से भून गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए, मूली गोश्त बन के तैयार हो गया है। ये बेसन की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।